हेलो दोस्तों, तो यार कैसे हो आप लोग। तो गाइस ये वाली वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं लॉजिटेक की तरफ से आने वाले लॉजिटेक 435 वायरलेस गेमिंग हेडफोन्स की। अब भाई देखो, वैसे होता तो है 1 2 3 4 5, लेकिन इन्होंने नाम रखा है 435, क्या सोच के मुझे नहीं पता। तो चलो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। लेकिन अब आप कहोगे भाई यही वायरलेस गेमिंग हेडफोन क्यों, क्योंकि ये PS5 के साथ वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है इसलिए। फिर जहां PS5 का नाम जुड़ जाता है, मैं बोलता हूं मेरे को सब आता है, मैं करूंगा। और इसके साथ आपको एक लाइट स्पीड कनेक्टर मिलता है, मतलब एडाप्टर मिलता है। तो भाई लेटेस्ट वगैरह किसी कोई दिक्कत नहीं है, तो फटाफट से पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, फिर बाकी सारी चीज़ें भी आपको बताता हूँ। तो यह गाइस कुछ इस तरह से मिलता है आपको लॉजिटेक G435 का बॉक्स। और यहाँ पे देखो ये लाइट स्पीड लिखा है और ब्लूटूथ, मतलब कि अपने लाइट स्पीड और ब्लूटूथ दोनों तरह से इसे कनेक्ट करा सकते हो। और ये हेडफोन भाई बहुत ही लाइट वेट है, अभी रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुए हैं। पीछे की साइड में कुछ स्पेक्स दिए गए हैं, जैसे डुअल बीफॉर्मिंग माइक्स, फोकस ऑन योर वॉइस एंड अवॉइड अदर नॉइस। अरे कहना क्या चाहते हो, तो नॉइज वगैरह को ये थोड़ा कैंसिल करता है इसका माइक, जो कि एक्चुअल में करता है, क्योंकि कॉल्स वगैरह मैंने बात की लोगों से, लोगों ने भी बोला कि हाँ वॉइस वगैरह क्लियर आती है भाई। बाकी यहाँ पे पावर, वॉल्यूम कंट्रोल और USB चार्जिंग पोर्ट वगैरह ऐसा कुछ दिया गया है, और नीचे बाकी वही सारी डिटेल्स वगैरह दी गई हैं। तो बाकी ड्राइवर साइज की बात करें, इसमें आपको 40mm का ड्राइवर मिलता है। बाकी साउंड क्वालिटी कैसी है वो मैं आपको बता दूंगा। चलो फटाफट से इसके बॉक्स को कर लेते हैं यहाँ से ओपन, और बॉक्स ओपन करते हैं। यहाँ पे लिखा है भाई कीप प्लेइंग, इसको कर लेते हैं ओपन। ऊपर कुछ एक ये सेक्शन मिल जाता है यहाँ पे आपको, और यहाँ पे आपका डोंगल भी प्लेस्ड है, देख सकते हो। तो यह गाइस कुछ इस तरह से इसका डोंगल रहता है जो लाइट स्पीड कनेक्टर वाला है, और यहाँ पे इसके जी की ब्रांडिंग दी हुई है लॉजिटेक वाले। यहाँ पे एक लॉजिटेक का जी वाला स्टीकर भी आपको मिल जाता है। उसके बाद कुछ यूजर मैनुअल मिल जाते हैं कि कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कनेक्ट वगैरह कराना है, और बाकी एक यूजर मैनुअल और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में मिल जाता है। उसके बाद आपको एक USB टाइप ए टू टाइप सी केबल मिलती है। केबल की क्वालिटी एवरेज कहूंगा मैं, बहुत अच्छी नहीं कहूंगा। एंड फाइनली कमिंग टू आवर हेडफोन गाइस, हेडफोन भी निकाल लेते हैं बाहर। ओहो भाई काफ़ी लाइट वेट है यार, सच में बहुत लाइट वेट है। तो ये गाइस कुछ इस तरह से मिलता है हमको हेडफोन। और बिल्ड की बात करें तो भाई पूरा बिल्ड इसका प्लास्टिक है और बहुत ही लाइट वेट है भाई। और इसके माइक की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो ये इसका माइक है। और कुछ बटन्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो आपको मिल जाता है एक म्यूट अनम्यूट का बटन, और यहाँ पे आपका टाइप सी कनेक्टर जिससे आप चार्ज करोगे इसे ऑफकोर्स। और यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन का बटन आपको मिल जाता है, और यहाँ पे आपको पावर का बटन मिल जाता है, और एक LED इंडिकेटर। म्यूट अनम्यूट यहाँ से आप कर लोगे, और अगर आपको लाइट स्पीड कनेक्टर और अपने ब्लूटूथ में स्विच करना है तो सिर्फ म्यूट बटन को प्रेस एंड होल्ड करोगे, ये डिफरेंट मोड में स्विच होगा। अभी ये डोंगल मोड पे है, अब वापस से आपको अगर ब्लूटूथ मोड पे करना है तो अगेन म्यूट बटन को प्रेस एंड होल्ड करो, ये आ गया आपके ब्लूटूथ मोड पे। और दिखा देता हूं मेरे फोन से ये कनेक्टेड हो गया है। तो यार देखो हमने करा लिया अपने फोन से कनेक्ट, तो अभी इसको मैं ट्राई करता हूं और अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि कैसा है ये वाला हेडफोन। और सबसे अच्छी चीज यहां पे बताऊं, इसका ये जो एक्सटेंडर है ना भाई, देखो कितना स्मूथ है ये, देखो भाई इतना स्मूथ है ना कि बहुत ही बढ़िया है। और ये जो फोम यूज़ की गई है, ये मेमोरी फोम है, बहुत ही सॉफ्ट है भाई, बहुत ही सॉफ्ट है। कंफर्ट के मामले में देखेंगे कैसा है। चलो फटाफट से इसको करते हैं ट्राई। तो ये गाइस चलो अब मैं इसको ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कंफर्ट वगैरह के मामले में कैसा है। तो ये साइड लेफ्ट है, कंफर्ट तो बहुत ही बढ़िया है, और कुछ इस तरह का लुक आता है देख सकते हो हेड्स पे लगाने पे, और भाई काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मतलब कंफर्ट काफ़ी अच्छा है और थोड़ा नॉइस कैंसलिंग भी अच्छा है, बाहर की नॉइस ज़्यादा नहीं आ रही है। पहले म्यूज़िक ट्राई करूंगा मैं, फिर इसके बाद मैं PS5 से भी कनेक्ट कराऊंगा इसके, ये आ गया यार, इसके ये वाले कनेक्टर से PS5 में भी कनेक्ट कराऊंगा। तो पहले म्यूज़िक वाला पार्ट कर लेते हैं अपने फ़ोन से, जो कि अभी मैंने फ़ोन में कनेक्ट कराया। तो भाई म्यूज़िक के मामले में तो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे, बेस वगैरह काफ़ी अच्छे से ट्यून किया गया, लेकिन एक चीज़ की थोड़ी सी कमी लगी मुझे, लाउडनेस की, थोड़ी लाउडनेस की कमी मुझे लगी, क्योंकि मैं पूरे टाइम पे फुल वॉल्यूम पे ही म्यूज़िक सुनता रहा। तो फुल वॉल्यूम पे सही रहे, बैलेंस है, मतलब अगर फुल से थोड़ा सा कम करोगे आपको तो आवाज़ कम लगेगी। तो जैसे यूजुअली हेडफोन होते हैं क्या कि अगर फुल वॉल्यूम करो तो ज़्यादा लगने लगता है, तो आपको कम करना पड़ता है। तो एक लाउडनेस की थोड़ी सी कमी है म्यूज़िक में मोबाइल के थ्रू, मतलब ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करने पे। अभी हम इसके कनेक्टर से कनेक्ट कराएंगे PS5 में, उससे पहले माइक का एक सैंपल आपको सुना देता हूँ कि माइक से कैसी आवाज आती है। तो यार गाइस ये जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो रिकॉर्ड हो रही है हमारे लॉजिटेक के G435 हेडफोन से। आप लोग बताओ कैसी है इसकी माइक की क्वालिटी। खैर मैंने सुना है और मुझे काफी बढ़िया लगी है भाई इसका, मतलब थोड़ा सा नॉइस कैंसलिंग का भी इसमें है फीचर, तो कॉल्स वगैरह में काफी बढ़िया रहता है। एयरपॉड्स सेकंड जन से अच्छी है, लोगों से मैंने टेस्ट किया है तो लोगों ने बताया कि हाँ पहले तुम्हारी आवाज थोड़ी खरखराहट आ रही थी, अब ये हेडफोन लगाने के बाद आवाज अच्छी होगी। तो यार गाइस ये रहा हमारा हेडफोन और ये रहा इसका डोंगल, इसको करते हैं प्लग हम अपने PS5 में। कर दिया है प्लग, अब हम लॉग इन करते हैं अपने कंसोल में।
और भाई जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे हेडफोन का साइन आ गया है और मैं हेडफोन लगा लेता हूँ। और कोई सभी गेम खेलते हैं अभी। ओह नहीं, चीख निकल गई मेरी, सॉरी। मजा आ रहा है भाई, मतलब हेडफोन की क्वालिटी एक नंबर है। गेम खेलने में बहुत मजा आ रहा है, एकदम सराउंड साउंड पूरी अच्छी तरह से पता चल रहा है और नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। जो मैं गेम खेल रहा हूँ वो है कॉल ऑफ ड्यूटी वैनगार्ड और ये गेम खेलने में तो भाई बहुत ही मजा आता है। तो ओवरऑल मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो देखो हेडफोन काफ़ी अच्छे हैं, सिर्फ एक कमी यहाँ पे मुझे लगी हेडफोन्स में, वो है इसमें लाउडनेस की। क्योंकि इसे हमेशा फुल वॉल्यूम पे ही रखोगे, जहाँ भी आप अपना वॉल्यूम वगैरह कम करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी सी लाउडनेस और होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कमी की बात करें तो 6-7 हज़ार का हेडफोन है, नॉइस कैंसिलेशन नहीं है। आजकल के 6-7 हज़ार के हेडफोन में भी नॉइस कैंसिलेशन आ जाता है, तो ये चीज़ सोचनी चाहिए थी। बट यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ की बात करो तो ये लाइट वेट हेडफोन है, और दूसरी चीज़ की भाई आपके PS5 से कनेक्ट हो जाता है। तो ये दो चीज़ें इस हेडफोन को काफ़ी बढ़िया और काफ़ी वैल्यू फॉर मनी बनाती हैं। अभी बात करें इसमें बैटरी लाइफ की, तो यार एवरेज यूजर्स पे इसमें मैंने 20 से ज़्यादा घंटे का बैटरी बैकअप पाया है, बट कंपनी क्लेम करती है कुछ 19 घंटे का बैटरी बैकअप। तो बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है ये हेडफोन्स का। आप लोग बताओ आप लोग कैसा लगा हेडफोन, आप लोग लेना प्रेफर करोगे? PS5 वाले हेडफोन्स की अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जल्दी ही उसकी भी अनबॉक्सिंग वगैरह मैं ला दूंगा। तो ओवरऑल मेरा ओपिनियन पूछो तो यस, थम्स अप। मेरा थम कट गया वैसे ये वाला वीडियो बनाने में, वो पर्दा गिर गया अंगूठे पे। तो यार ये वाले हेडफोन के लिए थम्स अप है, बिल्कुल बाय कर सकते हो, जिस प्राइस में आते हैं काफ़ी बढ़िया हेडफोन है और लाइट वेट हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।